RSS chief's Dussehra address. RSS chief calls for Hindus to be united. RSS chief says Hindus should stay united. And he also says blaming the community for misdeeds of a few is wrong. RSS chief condemns violence against Hindus in Bangladesh. Let's listen to what he said. बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, ये निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। अब वहां चर्चा ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है, और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ की दुकान तो बंद हो जाएंगी, और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। और भारत के चारों ओर, विशेषकर सीमावर्ती प्रांतों में, इस प्रकार के कारस्थानों के चलते क्या क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं। समय पर हमको जागना है। हमारा देश सांस्कृतिक एकात्मता के अधिष्ठान पर खड़ा है। अंडरलाइंड कल्चरल यूनिटी, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अन्यत्र भाषणों में कहा है। और नैतिक विचारों का, अध्यात्म के सत्य का एक बलशाली अधिष्ठान हमारे समाज की स्थिरता को, आपस के संबंधों को, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय व्यवहार को मिला है। इन आधारों को नष्ट करने के कुप्रयासों को समय के पूर्व हमको रोकना पड़ेगा। उसके लिए समाज को प्रयास करने पड़ेंगे। एक ऐसा राष्ट्रीय नैरेटिव चलाना पड़ेगा, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। कानून संविधान की मर्यादा में रहते हुए, अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान पर पक्का रहते हुए, हमको इसकी योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि समाज को सुरक्षित रखने के लिए इसी का उपयोग होगा। संस्कारों का क्षरण इन विभेदकारी ताकतों को पुष्ट करता है। अब कलकत्ता में जो हुआ, आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है। घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना, जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग, डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति पहली है, उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है। Saurabh Vaktaia is joining us live from Mumbai for more on this. Saurabh, the RSS chief Mohan Bhagwat has raked up multiple issues, including the R.G. Code rape horror, as well as violence on Hindus in Bangladesh, in which he's also called for unity of Hindus. Give us more details on what he said. So, well, RSS Chief Mohan Bhagwat's speech from Nagpur at the headquarters of RSS is very important. Just remember that ahead of Maharashtra Assembly polls, the speech of RSS Chief Mohan Bhagwat stands very important. Maharashtra DCM Devendra Fadnavis himself was present at this particular event. Now, let me tell you, first of all, he started with how the Hindus needs to get united. He gave an example of how the stone pelting incidents are happening during the Ganesh festival. The Visarjan, and also how the Hindus were attacked during the Bangladesh incident. Now he clearly said that how Hindus had to come on road, they have to demand that how protection should be done. Mohan Bhagwat clearly said that you don't need to look weak, you don't need to agitate or fight against others, but you need to look very strong, you need to be united as a community so that you can fight against others. He also clearly said that when such incidents happen, by the time the police officials or the administration reach the spot, the damage is already done, and therefore as a community we all need to come together so that we can fight such people. We should never ever look weak. He also pointed out the incident of the Kolkata rape and murder case, where he clearly said that the accused were protected, and this is not one such incident which is happening in our country. There are several such incident, and how the accused are been protected in such incident is clearly very, very shocking. So RSS Chief Mohan Bhagwat clearly sending out message that how the community needs to come together. They need to be prepared that nobody attacks them. You shouldn't look weak, and all things should be done prepared that before any such incident happen, you should be aware about it and you should be prepared to face such incident.